प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेश सिंह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेश सिंह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का संदेश उत्पत्ति की पुस्तक से है जहाँ पर आदम और हव्वा का जिक्र आता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम और हव्वा ने एक ऐसी गलती की जिसे अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और अगर बताया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर उनको आशीष दे। आज हम जानेंगे कि आदम और हव्वा की वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पाप और मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गया। मैं फल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गलती थी ही, वो तो गुनाह था ही, लेकिन वो और कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पाप श्राप मृत्यु संसार में आ गई, मनुष्य के अंदर आ गई। अगर वो गलती आदम और हव्वा ना करते तो शायद मृत्यु हमारे पास ना होती। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग आज की इस भेद की बात को जान सकें। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि हम हर प्रार्थना के बाद आमीन बोलते हैं, वचन में भी हम बहुत सारे कमेंट्स जब हमारे पास आते हैं यूट्यूब पर हो गया या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो हम आमीन ज़रूर लिखते हैं। तो आमीन का अर्थ क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। प्रभु जी, आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे, और जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े तबरके मनमुटाव बांझपन कर्जा नशा बेरोजगारी कमी घटिया और बुरी बीमारी तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु, ताकि वो आनंद मना सकें। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए और प्रभु जी तेरी महिमा की जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है आदम और हव्वा के विषय में, वो कौन सी गलती थी जो आदम और हव्वा ने की। आइए हम शुरू से देखेंगे इस वचन को। हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक का 2 अध्याय, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की। 1 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर लिखा है 26 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर ने सारी वाटिका को जब बना लिया, जब हम 1 अध्याय को पढ़ते हैं 1 पद से 23 पद तक, तो वहाँ पर हम देखते हैं 23, 24, 25 पद तक, 1 से 25 पद तक, तो वहाँ पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कर दी, सब कुछ बना दिया, और उसके बाद आदम को बनाकर वहाँ पर रख दिया, और उसमें से स्त्री को निकाला, दोनों को बनाकर परमेश्वर ने रख दिया। जब हम देखते हैं 2 अध्याय के 23 और 24 पद में, तो वहाँ लिखा है, और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे, क्यों? क्योंकि पाप अभी तक उनके जीवन में नहीं आया था, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, शारीरिक आंखें बंद थी। इसीलिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी 2 अध्याय और उसके 16 पद में,
लिखा है यहाँ पर दो अध्याय के 16 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17 पद में लिखा है, पर भले या बुरे ज्ञान के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ा है, अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करके आदम को और हव्वा को उस वाटिका में रख दिया उसकी देखभाल करने के लिए, और उनके लिए भोजन वस्तु भी सारी बना के रख दी ताकि वो खा सकें। फल फ्रूट जो भी वृक्ष थे वहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इसके फल तुम खा सकते हैं। लेकिन क्या हो गया, 3 अध्याय में आकर आदम और हव्वा के बीच में एक और शख्सियत आई जिसने सारी योजना को, जो परमेश्वर की योजना थी, उसको पलट दिया। जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति का, और उसके पहले पद से 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ की घटनाक्रम को देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ये पशु की बात हो रही है, लेकिन बाद में जब इसे श्राप दिया गया तब ये रेंगने वाला जंतु बन गया। परमेश्वर ने इसको क्या श्राप दिया था कि तू पेट के बल चला करेगा, ये सर्प बन गया, ये रेंगने वाला जंतु बन गया, जैसे हम देखते हैं सांप जब पेट के बल चलता है जमीन पर। लेकिन पहले ये क्या था, पशु था। पशु का मतलब चार पैर वाला, चौपाया जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्योंकि इसको पता नहीं था कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। तो इसलिए इसने बड़ी चलाकी से स्त्री से पूछा, क्या यहाँ पर वो कहता है दूसरे पद में, पहले पद में, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? यानी कि वो कह रहा है किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, ऐसे कहा परमेश्वर ने, ऐसा कहा क्या परमेश्वर ने? लेकिन ये बड़ी चलाकी की उसने, क्योंकि ये बारीक चाल चलता है शैतान हमेशा और फंसा देता है मनुष्य को। फिर 2 आयत में देखिए स्त्री ने क्या कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं? उसने बड़े इजीली बोला उसको कि हम तो खा सकते हैं सारे, लेकिन फिर उसने सच्चाई उसके साथ बयान की। 3 पद में लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब क्या बता दिया उसने कि जो फल वाटिका के बीच में लगा है, मतलब उसने बता दिया कि ये जो पेड़ है इसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। बस यही बात वो जानना चाहता था। दोस्तों, बड़ी चलाकी करता है शैतान, बहुत चलाकी से हमें फंसाने की कोशिश करता है। उसने तो प्रभु यीशु मसीह को भी फंसाने की कोशिश की। जब यीशु मसीह से उसने सवाल किए, जब यीशु मसीह उपवास के बाद वहाँ पर थे, जंगल में थे, तब उसने आकर कहा कि क्या अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह वचन को जानते थे, वचन के द्वारा ही तीनों बातों का प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, और आखिर में वो शैतान वहाँ से चला गया। लेकिन स्त्री जो है ये, इसने बड़ी भोलेपन में क्या कर दिया, उसको बता दिया, क्योंकि ये जानती नहीं थी उसकी आदतें, ये है क्या चीज़, ये धूर्त था। क्योंकि पहले इस पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ये धूर्त, सब बनैले पशुओं में से ये धूर्त था। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्त्री ने जैसे कि उसने चलाकी से पूछा, और उसने बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से बता दिया कि नहीं, पर हम तो सारे फलों के पेड़ खा सकते हैं, लेकिन वो जो बीच में लगा है ना उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। अच्छा, शैतान ने कहा, अच्छा ये है वो पेड़ जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया। फिर देखिए आगे क्या हुआ, 4 पद में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि उसको तुम खा लो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो शैतान है इसके अंदर भी वो बातें आ गई थी। जब हम यह स्केल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर मन फूल गया था, इसका घमंड आ गया था इसके अंदर, और ये कहता था, हम पढ़ सकते हैं यशाया 14:12 पद से, कि उसके विषय में लिखा है कि वो मन में फूल गया, घमंड आ गया उसके अंदर, और कहने लगा मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा। ये बात उसने अपने बारे में सोची थी, लेकिन यहाँ पर आकर वो क्या कर रहा है, स्त्री को भी बहका रहा है। वो कह रहा है कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, खाओ इसको कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया,
छः आयत में देखिए, बहुत बड़ा घटनाक्रम है यहाँ पर। अगर हम इसको दृश्य करें, अपने दिमाग में इसको सोचें, तो वहाँ पर क्या दृश्य चल रहा होगा। देखिए यहाँ पर 6 आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा, अब वो देख रही है, स्त्री अभी खा नहीं रही फल को, कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। देख रही है, इसका मतलब खा नहीं रही है, लेकिन फिर भी लिखा है कि खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सो जब स्त्री ने देखा, अभी वो देख रही है, इसका मतलब क्या है कि जो धूर्त था, जो सर्प था, बेनैला पशु था, उसने क्या करा, उस फल को तोड़कर उसे खाकर दिखाया, स्त्री को खाकर दिखाया उसको कि देख मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए जाने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। ऊपर क्या लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि फल खाने में अच्छा है, देख रही है, खा नहीं रही, लेकिन बाद में जब उसने देखा, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। मरी हुई कोई डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है और हम उसको नोच रहे हैं, उस पर कुछ कान खींच रहे हैं उसके, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको कोई असर थोड़ी पड़ेगा, वो तो डेड है। यह असर पड़ता है उन पर जो जीवित होते हैं। तो इसको कोई असर ही नहीं पड़ा, इसने फल को खा लिया, स्त्री ने देखा है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, तब उसने कहा यह बात तो सच है, उसने तोड़ा और फिर उसे खाना शुरू कर दिया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने यहां पर क्या कर दी, अनाज्ञाकारिता कर दी, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और यही पाप था जो इन दोनों ने किया, क्योंकि फल खाना पाप नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था। अब क्या गलती हुई इन लोगों से, आज इस बात पर हम गौर करेंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं तब 7 पद में, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब इतना दिमाग तो इनके पास है कि इन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने नंगेपन को ढक लिया। तो क्या इतना दिमाग भी नहीं था इनके पास, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब ये वचन मैं पूरा कर दूंगा तो बहुत से लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि तब उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसका भी मेरे पास जवाब है, आगे चलकर हम इस बात पर बात करेंगे। 8 आयत में देखिए हुआ क्या, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। कौन छिपता है, जो पाप करता है, कौन छुपता है, जो गलत होता है, कौन परमेश्वर से दूर रहता है, जो गलत होता है, कौन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, कौन वचन नहीं पढ़ता, कौन संगति में नहीं रहता, कौन परमेश्वर के लोगों से बातचीत नहीं करता, वो जिसके कार्य गलत हैं, जो सांसारिक है, वही छुप जाता है परमेश्वर से, वही अलग हो जाता है। तो ये दोनों परमेश्वर से छुप गए क्योंकि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने गुनाह किया था, इन्होंने पाप किया था, इन्होंने अपराध किया था, इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था, ये छुप गए। तो अगर आज हम भी छुप रहे हैं परमेश्वर से, हम भी परमेश्वर से दूर हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखें 10 पद में, सॉरी 9 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है, तू कहाँ है। एक सवाल, ये पहला सवाल है परमेश्वर की ओर से कि तू कहाँ है। अब देखिए क्या हुआ आगे 10 पद में, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। जान गया, बुद्धि आ गई उनके पास, ज्ञान आ गया उनके पास, तो इतना तो उनको समझ है कि वो नंगे हो गए, तो उन्होंने अंजीर के कपड़े बनाकर पहन लिए, और ये भी जान गए कि डर आ गया उनके अंदर कि परमेश्वर अब हमें, हमारी पिटाई करेगा, हमें मारेगा, हमें बुरा भला कहेगा, हमें डांटेगा बुरी तरह से, ये समझ उनके अंदर आ गई थी, भले बुरे के ज्ञान की बातें उनके अंदर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने फल तोड़कर खा लिया था। अब देखिए उसने लिखा है 11 पद में, उसने कहा, किसने तुम्हें चिताया कि तू नंगा है, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है, किसने बता दिया तुझे कि तू नंगा है। परमेश्वर क्रोधित हो गए यहाँ पर, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे बरजा था, यानी कि मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है। दूसरा सवाल किया परमेश्वर, क्या तूने खा लिया उस फल को। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया और मैंने खाया।
ये बहुत बड़ी गलती। पहली गलती तो कर चुके थे वो फल खाकर, लेकिन ये दूसरी गलती हो गई आदम से कि उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इल्ज़ाम लगाया उसने स्त्री के ऊपर, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ प्रभु, हाँ पिता, हाँ पापा, हाँ अब्बा, हाँ परमेश्वर, मैंने खाया है। उसने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अंगीकार नहीं किया अपने गुनाह का, उसने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। बाइबल हमें बताती है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। यहाँ पर आदम ने यही गलती की, ये बहुत बड़ी गलती थी आदम और हव्वा की। उसके बाद क्या हुआ, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर उसके बाद तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है। तीसरा सवाल परमेश्वर का, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। इसने भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने मुझे कहा। हम भी कहते हैं कि इसने मना करा इसलिए मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, इसने मना किया इसलिए मैं चर्च नहीं गया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम दूसरों को जांचते जांचते अपने जीवन को बिता देते हैं। वचन कहता है कि यदि हम अपने को जांचते तो दंड ना पाते। इन्होंने अपने को नहीं जांचा, इन्होंने अपने को नहीं जांचा, ना आदम ने, ना स्त्री ने, ना हव्वा ने, ना आदम ने, दोनों में से किसी ने अपने आप को नहीं जांचा। तो यहाँ लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब परमेश्वर क्रोधित हो गए। लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। श्राप आ गया जीवन में। अब देखिए यहाँ पर आदम से प्रश्न किया परमेश्वर ने कि जो फल मैंने खाने के लिए कहा था तूने उसे खा लिया है क्या। स्त्री से पूछा कि तूने ये क्या किया, लेकिन सर्प से परमेश्वर ने बात नहीं की, उसे सीधा श्राप दे दिया। उससे कहा नहीं कि तूने ये क्या किया भाई, तूने क्यों बहका दिया इनको, तूने मेरी योजना को क्यों पलट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप याद कीजिए जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो एक डाकू उनकी निंदा कर रहा था और कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई भी आंसर नहीं दिया था। लेकिन दूसरे डाकू ने जब कहा कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यीशु मसीह ने उससे बातचीत की और उसे बताया, उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं सर्प से कोई भी बात परमेश्वर ने नहीं की, सीधा उसको श्राप दिया। क्या कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब इसको श्राप मिल गया और ये पेट के बल चलना शुरू हो गया, नहीं तो ये चार पैर वाला चौपाया था, ये जानवर था, ये रेंगने वाला जंतु बन गया, ऐसा श्राप इसको मिला। उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा से क्या कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16 पद में लिखा फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये श्राप स्त्री को दे दिया गया। श्राप कौन देता है, जब क्रोध में होता कोई तभी हम किसी को श्राप देते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ वैसा हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, ये श्राप देते हैं लोग क्रोध में आकर। परमेश्वर क्रोधित है और यहाँ पर क्या किया, दोनों को श्राप दिया। आगे देखिए क्या लिखा 17 पद में, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि शापित हो गई किसके कारण, आदम के कारण, क्योंकि आदम भी श्रापित हो चुका था। उसके बाद लिखा है 19 आयत में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकला है, तू मिट्टी तो है ही, तू मिट्टी ही में मिल जाएगा। और 20 पद में लिखा है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता वही हुई। 21 आयत में देखिए, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये 21 आयत जो है ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। पहले श्राप दिया परमेश्वर ने क्रोध में आकर, फिर तरस खाकर उनके ऊपर क्या क्या उनके लिए अंगरखे बनाए, एक
चमड़े के अंग रखे हैं, ये कुर्बानी को दर्शाते हैं, जो हमारे नंगेपन को ढकते हैं। यीशु मसीह ने भी कुर्बान होकर हमारे नंगेपन को, हमारे पापों को धो डाला, हमें श्राप से बचा लिया। यहाँ पर आदम और हव्वा ने एक गलती की, अगर वो पैरों से लिपट जाते और कहते कि क्षमा कर दो प्रभु, अब बताओ हम करें क्या, हम कैसे छुटकारा पाएं इस गुनाह से, हम कैसे श्राप से छुटकारा पाएं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये पाप में ही मर गए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पश्चाताप जो है वो हमारे पापों को धो देता है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि तब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन व्यवस्था नहीं थी, बुद्धि तो थी, बुद्धि थी आदम और हव्वा के पास, तभी उन्होंने क्या करा, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए। तो इतना तो वो कर सकते थे, पैरों से लिपट जाते, परमेश्वर से पूछते कि अब बता हम क्या करें प्रभु, पिताजी हम क्या करें, हमसे गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई, अब इस गलती का क्या निवारण है, अब कैसे हम इससे बाहर आए। परमेश्वर तो दया करने वाला प्रभु है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है, वो हमें ज़रूर क्षमा करता है। जैसे दाऊद को उसने माफ़ किया, जब दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया तब परमेश्वर क्रोधित हुआ और नातान को उसके पास भेजा। दाऊद जब जान गया कि मैंने पाप किया है तब उसने पश्चाताप किया, भजन संहिता 51 अध्याय उसका पश्चाताप है, और जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। आज हम भी दोस्तों जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझसे जो गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद में तो लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपने गुनाहों को मान लेना ही आदम और हव्वा के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि उसके लिए पश्चाताप करना था कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और क्या हो गया कि ये पाप मृत्यु हमारे साथ साथ चलती रही और आज भी हमारे साथ है। मृत्यु जीवन की सच्चाई है। दोस्तों ये गलती की थी आदम और हव्वा ने कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी परमेश्वर से। अगर मांग लेते तो शायद शायद ये मृत्यु हमारे पास ना होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपल्स ने आज का सवाल है कि आमीन का अर्थ क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को, सभी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि हमें अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसके लिए परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, पापों का अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें।